हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त केतन और आप देख रहे हैं आज का ब्लॉग बोलेरो के ऊपर बनने वाला है। तो ये अपनी बोलेरो है 2009 मॉडल। तो ये 9 मॉडल है, अब तक संभाला हुआ है और गाड़ी कंप्लीट है, तो उसका आज रिव्यू करने वाले। वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और अपने पास बोलेरो है, स्पार्क है और मारुति 800 भी है, वो अपने ब्लॉग में वीडियो में देखा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बोलेरो का। अपने 2009 मॉडल है, तो उसमें पहले ये आगे का जो शो था वो अलग आता था और अभी उसमें न्यू मॉडल का आपने किया हुआ है। तो ये हेडलाइट आपने पूरी चेंज करवाया है, ये न्यू वाली बोलेरो की हेडलाइट डाली हुई है अभी। और ये आगे का ग्रिल है वो भी न्यू मॉडल का डाला हुआ है, पहले उसमें वाइट आता था तो आपने ये अलग से किया हुआ है। और नीचे यहाँ फॉग लैम्प नहीं आते थे, तो ये फॉग लैम्प आपने अलग से LED वाले डलवाए और ये वाली लाइट भी आपने अलग से डाली हुई है जो न्यू मॉडल की है। पहले जो ऐसी नहीं आती थी, पहले ये वाला जो है वो नहीं आता था, पूरा सेम आता था, तो ये अपने अलग से करवाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर। ये अंदर का इंटीरियर है, आपको दिखा रहे हैं। ये 2009 मॉडल है, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आता था। और ये AC विंड है और ये आगे की दोनों सीटें, सीट कवर भी अभी नए डाले हुए अपने। और ये ऊपर DVD लगाया हुआ है, ये पीछे का भाग हो गया, ये हो गया बीच का सीट, बीच वाला। और ये आपको अंदर से दिखाते हैं, ये अपने डाला हुआ है नया वाला, क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती है तो ये डैशबोर्ड ख़राब होता है, तो इसके लिए ये पूरा अलग से डाले हुए हैं। तो उससे होता क्या है कि ये डैशबोर्ड भी ख़राब नहीं होता और लुक दिखने में भी लुक थोड़ा अच्छा रहता है। और ये हो गए सनवाइज़र अपने दोनों, और ये DVD और आगे की सीट ये हो गई, ठीक है। और ये हो गया अपना म्यूज़िक सिस्टम, और ये हो गई इसकी डेकी। आगे की दोनों की सीट का व्यू कुछ ऐसा आता है, और उसको कर देते हैं बंद। अभी दिखाते हैं आपको बीच वाली सीट, बीच वाली सीट में भी स्पेस कुछ ऐसा रहता है। और ये अपने सीट नहीं डाली हुई अभी, और ये हो गया उसके आसन, ठीक है। वो बच्चे का खिलौना भी है अंदर, ठीक है, उसको भी बंद कर लेते हैं। और ये 16 इंच के टायर रहते हैं उसमें। और ये हो गया पीछे का कुछ व्यू, गाड़ी बहुत संभाल के रखी हुई है अभी, 2009 मॉडल है लेकिन अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये हो गया पीछे का व्यू, और ये पूरा साइड व्यू है आप देख रहे हैं। और अपने ये इसमें एक रूम वाले करवाए हुए, ये छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करवाए हुए, ये ब्लैक नहीं आता है, इसमें ब्लैक करवाया हुआ है। और ये आगे के टायर हो गए 16 इंच के, और ये अपने क्रोम का करवाया हुआ है, ठीक है। और आगे का पूरा व्यू कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी अपने संभाली हुई है और ये गाड़ी के करीबन 13 साल के आसपास हो गए हैं, 2009 का मॉडल है, ठीक है। तो अभी तक संभाला हुआ है, कहीं जंग नहीं है और गाड़ी देखने में साफ़ सुथरी और बहुत संभाल के रखी है अपने गाड़ी। और ये हो गया साइड का व्यू, और ये आगे का व्यू है, ये आगे का पूरा व्यू अपने चेंज किया हुआ है। और ये देख लो आप, कहीं भी जंक नहीं लगा है, अभी तक गाड़ी संभाली हुई है। तो दोस्तों, ये गाड़ी का आगे का व्यू है, और ये उसके ऊपर का जो मॉडल आया था उसके जैसा आपने बनाया हुआ है, और उसमें LED लगाया है। तो आपको दिखाते नाइट का व्यू, नाइट में गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखने वाली है, ऊपर जो LED लगी है और नीचे वाले भी फॉग लैंप में भी LED लगी है, तो नाइट का व्यू कुछ इस तरीके का आता है और बढ़िया दिखने में अच्छा लगता है।
तो दोस्तों ये गाड़ी गांव में बहुत फेमस है और आप कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए तो कभी आप बोलेरो में बैठे होंगे और आपका भी एक अटैचमेंट रहा होगा। ये गाड़ी गांव के रास्ते के बादशाह कहलाती है और वहाँ इतने खड्डे रहते हैं कि ये बड़े टायर रहते हैं उसके, तो आसानी से निकल जाते हैं और अपने झटके महसूस कम होते हैं। ये गाड़ी में अपने कुछ अलग से गैजेट एक लगाया हुआ है, ये एग्जॉस्ट विंड है, तो अंदर की जो गर्म हवा होती है वो उसको बाहर फेंक देता है और ये सनलाइट से चलता है, तो अंदर का जो स्मेल रहती है और जो गर्म हवा रहती है उसको बाहर निकाल देता है। तो कमेंट में लिखिएगा आप इसके लिए अलग से वीडियो आपको देखना हो तो लाएंगे। और ये पूरी गाड़ी का व्यू हो गया और कहीं से भी लगता नहीं है, गाड़ी 2009 मॉडल है और दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको 2009 मॉडल बोलेरो कैसी लगी। दोस्तों अब तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।